आज हर शेप और साइज की 400 ब्रीड्स हैं। विपेट्स, जिन्हें चूहे और रैबिट्स पकड़ने के लिए ब्रीड किया जाता है। स्पैनियल्स, जिन्हें शिकार में जानवर ढूंढने के लिए ब्रीड किया जाता है। मतलब शुरू से ही ज्यादातर डॉग्स का अपना एक खास काम होता था, और कई जगहों पर तो आज भी वो वही काम करते हैं जिसके लिए उन्हें सबसे पहले ब्रीड किया गया था। कम से कम 6000 साल पहले अलास्का से माइग्रेट करके इनुइट यहां आए। 1960 तक ये सेमी नोमैडिक जिंदगी बिता रहे थे, बर्फ पार करने के लिए स्लेड्स यूज करके। उनके जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी थे हस्की, उन ब्रीड्स में से एक जो ऐसे हार्श क्लाइमेट को सह सकते हैं। इन फ्रोजन लैंड्स में जिंदा रहने के लिए हस्की के पास मोटा डबल कोट है, जिसमें घना गर्म हवा रोकने वाला इंसुलेटिंग अंडर फर है, और लंबे और कोर्स बालों वाला आउटर फर है, उन्हें बर्फ, हवा और बारिश से बचाने के लिए। एक अच्छा पैक बनाने के लिए टाइम और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो याका, जो एक एक्सपर्ट डॉग ट्रेनर हैं, एक नई टीम और उसके यंग ड्राइवर को इस सी आइस में 65 किलोमीटर की ट्रेनिंग रन पर फॉलो कर रहे हैं। सुबह सुबह ये बहुत एक्साइटेड होते हैं और लगभग एक घंटे के लिए फुल स्पीड से दौड़ सकते हैं, और फिर थोड़ा स्लो होकर तेज वॉकिंग करते हैं, और इस स्पीड पर वो पूरे दिन चल सकते हैं जब तक उन्हें रुकने को न कहा जाए। अमेजिंग एनिमल्स हैं। हस्कीज को वजन खींचने के लिए ब्रीड किया जाता है। 8 महीने के होने पर ये बाकी पैक के साथ दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लीड डॉग्स बुलाए जाने वाला ये पहला पैर स्पीड सेट करता है, और ये देखता है कि पूरी टीम ड्राइवर के ऑर्डर्स फॉलो करके सही डायरेक्शन में खींचे। आर्कटिक का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से 30 साल के अंतर सी आइस 3.1 मीटर से घटकर 1.8 मीटर्स रह गई है, यानी 40% कम। आज ज्यादातर इनुइट ट्रांसपोर्ट के लिए स्नोमोबाइल्स यूज करते हैं, जो पतली बर्फ पर इतने रिस्की हैं कि कुछ लोग वापस अपने डॉग्स यूज करने लगे हैं, और इसकी वजह भी सही है। हस्कीज सेंस कर लेते हैं कहां बर्फ की लेयर पतली हो रही है, और रास्ता बदल लेते हैं ताकि बर्फीले पानी में डूब न जाएं। इनके इसी सुपर सेंस ने कई इनुइट्स की जान बचाई है। हस्कीज और मेलेमेट स्लेड डॉग की मेटिंग से एक नई ब्रीड सामने आई है, जो दूसरे डॉग से कहीं ज्यादा पावरफुल है। आज उसी ब्रीड की साइंटिफिक स्टडी की जा रही है। ये टीम उम्मीद कर रही है कि उन्हें जो पता चलेगा उससे इंसानों को मेडिकली फायदा मिलेगा। मैं ये 35 सालों से कर रहा हूँ, फिर भी ये डॉग्स हर रोज मुझे अमेज कर देते हैं, स्पेशली जब हम उनकी एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। इस लैब में एक ट्रेडमिल पर मार्टिन इन चैंपियन स्लेड डॉग्स के पैक को टेस्ट करके उनकी परफॉर्मेंस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। लंबी एक्सरसाइज के बाद अच्छे से अच्छे ह्यूमन एथलीट्स के सेल्स में भरी एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि उन्हें रुकना पड़ता है। मसल ग्लाइकोजन नाम की इस एनर्जी को वापस पाने में कई दिन लग सकते हैं, लेकिन इतनी ही कैलोरीज पाकर ये स्लेड डॉग्स 4 गुना ज्यादा देर तक काम कर लेते हैं, और हमसे अलग ये कैलोरीज मिलते ही कम हो गए ग्लाइकोजन को तुरंत वापस पा लेते हैं। ट्रेनिंग के टाइम हम इन्हें 60, 75, 90, 100 किलोमीटर तक दौड़ाते हैं, लेकिन ये डॉग्स आराम से पूंछ हिलाते हुए घर आते हैं और खाना खाकर कुछ देर की नींद के बाद फिर से दौड़ने चले जाते हैं। ये तो एक अमेजिंग क्वालिटी है। 4 घंटे लगातार दौड़ने के बाद ये टीम आधे रास्ते तक पहुंच गई है। धूप निकल आई है, फिर भी टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इससे इन डॉग्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑलमोस्ट -60 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड सह सकते हैं। उनके शरीर में चर्बी बहुत है, और पंजे भी इस ठंड को सह सकते हैं।
पैरों की उंगलियों से ठंडा खून बॉडी में जाकर गर्म होता है। इस तरह पूरी बॉडी का कोर टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है। बर्फीले तूफान में वो अपनी आंखों को सिर्फ जरा सा खोलकर आसानी से देख सकते हैं। पालतू डॉग से अलग हस्कीज भूख मिटते ही खाना बंद कर देते हैं, खासकर जब वो कोई काम न कर रहे हों। स्लेड डॉग्स की जबरदस्त स्ट्रेंथ हमें पोल्स तक ले गई है और दुनिया के सबसे ठंडे एरियाज तक हमें पहुंचाया है। साइंटिस्ट्स को लगता है कि अगर हम ये समझ लें कि ये डॉग्स इतनी देर तक कैसे दौड़ लेते हैं तो हमें और भी फायदा होगा। ये डॉग्स इतनी ज्यादा कैलोरीज वाला खाना खाते हैं कि ज्यादातर जानवरों को तो इससे ओबेसिटी हो जाए, लेकिन इन्हें ऐसा कुछ नहीं होता। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अगर उनकी उस जीन का पता लगा लिया जाए जो फैट को रखने के बजाय उसे बर्न कर देने वाले इनके मेटाबॉलिज्म के बारे में बता सके तो ओबेसिटी का क्योर मिल सकता है। हमने इनके बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन अभी भी पता नहीं कि इनकी एक्चुअल कैपेबिलिटी और कितनी ज्यादा है। डॉग्स हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर का हिस्सा हैं। हमारे सबसे